हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? क्या आपका ऐड भी बार बार रिजेक्ट हो रहा है? क्या आपको भी प्रॉब्लम फेस हो रही है ऐड चलाने में? तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे अगर आपका ऐड अकाउंट डिसेबल है तो हम उसे इनेबल कर सकते हैं, और हमारा ऐड अकाउंट अगर डिसेबल ना हो तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वो मैं बताने वाला हूँ। बस आपको ये पूरा वीडियो प्रॉपर ध्यान से देखना है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम लोग फेसबुक पे ऐड रन करते हैं तो हमारी जो प्रोफाइल है वो काफ़ी पुरानी होनी चाहिए। काफ़ी पुरानी मतलब कम से कम इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन 1 महीने तो पुरानी हो तो बेस्ट है। देखो, मैंने क्या किया था, अभी रिसेंटली एक नई आईडी बनाई थी अपने नाम से, और मैंने अभी ये रिसेंटली 8 दिन पहले बनाई थी और मैंने ऐड चलाने की ट्राई किया। तो जैसे ही मैंने इस पर अकाउंट बनाया और मैंने जैसे ही ऐड मैनेजर ओपन किया, मेरा ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ऐड मैनेजर पर चलता हूँ और देखो, जैसे ही मैंने ऐड मैनेजर का अकाउंट किया, मतलब जैसे ही मैं ऐड मैनेजर खोला, मेरा ऐड अकाउंट डिसेबल। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई मारते हैं, चल जाए तो चल जाए। ठीक है, लम्बे मैं बताता हूँ कि मुझे कैसे चलाना चाहिए था और मुझे क्या करना चाहिए था। मैंने क्या किया, मैंने फेसबुक अकाउंट बनाया, ऐड मैनेजर पर डायरेक्ट गया, पेज बनाया उसी दिन, और मैं पेज पे भी मैंने कुछ नहीं किया, कंटेंट डाला और उसको ऐड चलाने की कोशिश की। लेकिन देखो, फेसबुक की पॉलिसी ये बोलती है कि अगर आप फेसबुक पे ऐड चलाने वाले हो और आपको अगर ऑडियंस चाहिए अच्छी और लीड जनरेट मतलब लीड चाहिए, तो आपका जो पेज वगैरह है ना उस पर थोड़ी बहुत ऑडियंस होनी चाहिए। देखो, फेसबुक क्या है ना, बोट है एक तरीके से। फेसबुक की जो एल्गो है ना, बोट पे काम करते हैं, बोट वहाँ पे लगे हुए हैं, तो वो देखते हैं कि वो आपको कैसे रिजल्ट देंगे। अच्छा, आपने पेज बनाया नया, कुछ डाला नहीं, अपनी प्रोफाइल डाली, पिक्चर लगाई, टाइमलाइन पिक्चर लगाई और ऐड चलाने लग गए, तो जिस ना उस फेसबुक को पता चल रहा है कि आपके पेज पर कैसे लोग चाहिए उसे, ना उस पर कोई पहले से एंगेजमेंट है, तो वो अच्छा रिजल्ट भी नहीं देता है, आपकी CPC भी हाई जाती है। और वो क्या करता है, नया पेज होता है, अगर आपने नया पेज बनाया तुरंत, तो 90% चांस है कि वो आपका पेज रिस्ट्रिक्टेड कर देगा और आपका ऐड अकाउंट डिसेबल कर देगा। तो पेज भी हमेशा हमेशा ना हमें 24 घंटे पुराना या फिर 48 घंटे पुराना, अगर नया भी बनाया है तो पहले उसका एंगेजमेंट ऐड चलाओ। ठीक है, एंगेजमेंट ऐड जब भी चला पाओ, या फेसबुक अकाउंट थोड़ा बहुत पुराना हुआ, फेसबुक अकाउंट में भी कुछ कंटेंट डला होगा, उस पर भी लोग इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तभी आप चला पाओगे, अदरवाइज आपको भी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो आपको फेसबुक अकाउंट भी पुराना रहना चाहिए, 20 दिन पुराना हो तब भी चलेगा, लेकिन उस पर कंटेंट हो और उस पर एंगेजमेंट आ रही हो, लोग उस पर लाइक कमेंट कर रहे हो, पेज हो तो पेज अगर बनाया है तो उस पर कोशिश करो कि उस पेज पर कुछ एंगेजमेंट आए, ऑर्गेनिक तरीके से आए। ठीक है, और साथ में उस पर कुछ अगर नहीं आ रही है ऑर्गेनिक तरीके, तो आप उस पर ऐड चला सकते होंगे। देखो, अब करते क्या है अपन लोग, देखो जैसे कि ये मेरा अकाउंट है डिसेबल है, और इसको मैंने एक बार इनेबल कराया और अकाउंट ऐड भी चलाया था। देखो, ऐड चलाया मेरा और 1 रुपये कुछ क्लिक भी आई है और लाइक भी आए हैं, 30 लाइक्स आए हैं। ये मैंने एंगेजमेंट ऐड चलाया, पहले मेरा डिसेबल हुआ, फिर मैंने इनेबल कराया, फिर मेरा डिसेबल हो गया। अब देखो, जब फिर डिसेबल हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे जब ऐसा एरर आता है तो आपको क्या करना है, सी डिटेल पे जाना है, और सी डिटेल पे जाने के बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन आता है। देखो, ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि कन्फर्म योर आइडेंटिटी का आता है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जब हम लोग नई आईडी बनाते हैं तो उसमें ना अपनी कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं बताते, हम खाली प्रोफाइल पिक्चर लगा देते हैं, पूरी प्रोफाइल भी नहीं बनाते और ऐड चलाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको देखो कन्फर्म योर आइडेंटिटी की बताता हूँ कि कन्फर्म योर आइडेंटिटी हम लोग कैसे डाल सकते हैं। तीन तरीके बताता हूँ जो कि आप अपनी आइडेंटिटी पहले कंफर्म करके चलोगे तो आपका ऐड अकाउंट डिसेबल नहीं होगा, बहुत कम चांस है कि डिसेबल हो। ठीक है, देखो ऐसे करके आता है, तो यहाँ पे देखो मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट रिव्यू कर चुका हूँ थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैं ऐड चलाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू का जब ऑप्शन आएगा तो हो सकता है आपसे कन्फर्म योर आइडेंटिटी मांगे। तो देखो, कन्फर्म योर आइडेंटिटी में आपको आइडेंटिटी क्या डालनी है, गवर्नमेंट जो आप जिस, जैसे मान लो अपन लोग इंडिया से है ना, तो अपन को क्या डालना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे दो आपको मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, आप वो डालोगे तो आपका अकाउंट जल्दी इनेबल हो जाएगा। पहला है आपका पैन कार्ड, दूसरा है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, और देखो उसको ना ब्लैक बैकग्राउंड पे डालो, ब्लैक बैकग्राउंड होना चाहिए, और उसमें मान लो ये मेरा पैन कार्ड है। ठीक है, एक मिनट, मैं इसमें कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये ब्लैक बैकग्राउंड है और ये मेरा पैन कार्ड है, मान लो एक बार को, है ना, और इस पैन कार्ड को मुझे ऐसे करके डालना है और सेव करके फिर अपलोड करना है आइडेंटिटी में, ठीक है, जिससे कि वो अच्छे से दिखे। और आपका नाम पैन कार्ड पे जो हो वही आपका फेसबुक प्रोफाइल पे नाम होना चाहिए, आईपी आपका जो आईपी एड्रेस है वो भी सेम होना चाहिए, इन कॉन्फिग विंडो पे मत खोलना उसको, वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी कंफर्म मत कराना, अदरवाइज नहीं करेगा वो प्राइवेट विंडो पे। ठीक है, जेन्युइन तरीके से करोगे आपका अकाउंट इनेबल हो जाएगा। ठीक है, मैं कई बार करा चुका हूँ, हो जाता है इजीली।
ठीक है, कई बार करा चुका हूँ मैं। अब ठीक है, जैसे मैं रिक्वेस्ट रिव्यू कर दोगे तो कंफर्म आइडेंटिटी करनी है, 24 से 48 घंटे लेता है, आपका अकाउंट एनेबल कर देगा। लेकिन देखो, मेरा इसने एनेबल किया लेकिन मेरा फिर इसने डिसेबल कर दिया। क्यों कर दिया? अब इसका रीजन ये था कि मेरा शायद हो सकता है मेरा पेज पे कोई दिक्कत आई हो। आपको क्या करना है, फिर दोबारा से यहाँ पे आना है, रिक्वेस्ट रिव्यू पे जाना है। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन आएंगे। पहला आएगा कि आई डोंट नो विच पॉलिसी वॉज वायलेटेड, या फिर मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया, या फिर अदर्स। तो आपको पहला या अदर्स में जाना है, तीन ऑप्शन आएंगे, पहले या लास्ट वाले में जाना है और लिखना है कि आई डोंट नो विच पॉलिसी आई वॉज वायलेटेड, सो प्लीज रिकवर माई अकाउंट। ऐसे करके आपको लिख के मैसेज कर देना है, तो 90% चांस है आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। अब देखो, अगर नहीं होता है बाई चांस रिकवर तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो एक हेल्प का ऑप्शन आ रहा है, आपको हेल्प पे क्लिक करना है नीचे की तरफ, देखो ठीक है। और देखो फिर आ रहा है, देखो कंफर्म योर आइडेंटिटी करने का ऑप्शन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है ठीक है। और उसके बाद ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है एक बार से, और यहाँ पे कंफर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन आके अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ से भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कितना सारा कुछ है। देखो यहाँ पे आप पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमारा एड अकाउंट प्रॉपर तरीके से बंद हो रखा है, या फिर हम तो कैसे चालू कर सकते हैं। अब देखो ये आ गया कंफर्म योर आइडेंटिटी, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये सब बता रहा है, देखो आप कैसे कैसे कर सकते हो अपनी आईडी कंफर्मेशन। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये मुझे समझ में नहीं आया, तो देखो नीचे आ रहा है वॉज दिस इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल, आप लिखना नो। और उसके बाद देखो, इसके बाद लिखना दिस इन्फॉर्मेशन इज कंफ्यूजिंग, मुझे नहीं समझ में आ रहा, दिस सॉल्यूशन डजंट वर्क, आई डोंट लाइक दिस, ठीक है, मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा। तो आप अदर पे जाना और यहाँ पे डाल देना सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर पॉलिसी, सो प्लीज री ओपन माई अकाउंट, आई थिंक अपना अकाउंट क्या है, अपना बंद हो गया ना, आई थिंक इट्स अकाउंट डिसेबल्ड बाय मिस्टेक, मतलब हम लोग सही हैं, आपकी तरफ से कुछ आपके बोर्ड ने गलती करी है, ठीक है। तो ये इसको देखेंगे और आपके 90% चांस है आपका अकाउंट सही कर दें, थैंक्स इन एडवांस। ये देखो मेरे लिए काम करता है, आप कुछ अपने तरीके से और लिख सकते हो, ये मेरे लिए काम करता है, आप चाहो तो कुछ और लिख सकते हो, और आप इसको कर दो सबमिट, बस सिंपल। अब देखो, अब आपको करना क्या है, ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया, यहाँ से रिव्यू करोगे तो आपका अकाउंट वापस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी मेल आईडी पे जाके मेरा अकाउंट वापस आया था नहीं आया था एक बारी वाला, आप भी बोल रहे हो क्या है। देखो ये वाली मेरी मेल आईडी है, ठीक है, ये देखो ये दिखा रहा है योर एड वॉज अप्रूव, पहले लिखा आया था योर एक्सेस इज एडवर्टाइजिंग हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड, उसके बाद मेरा अप्रूव्ड कर दिया, फिर मेरा उसने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, योर फेसबुक अकाउंट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड। तो मतलब ऐसा नहीं है, मैंने 10 दिन पहले अकाउंट बनाया, मैंने चला के देखा, मेरा डालते ही मेरा रिजेक्ट हुआ, डिसअप्रूव हुआ, फिर मैंने उसको आइडेंटिटी कंफर्म करी, मैंने उसमें ड्राइविंग लाइसेंस डाला, मेरा फिर से चल गया, फिर उसने मेरा डिसअप्रूव कर दिया। लेकिन मैंने फिर उसको ट्राई करा कि मैंने उसको फिर रिक्वेस्ट कर दिया, मेरा फिर हो जाएगा सही, ठीक है, मुझे उम्मीद है मेरा हो जाएगा 90%, तो इससे आपका भी रिकवर हो जाएगा। अब देखो मैं आपको एक और एक तरीका बताता हूँ स्टार्टिंग में, बिल्कुल ये मान लो कि आपकी एक नई आईडी है, आपको 10 दिन हुए बनाए हुए आईडी को, आपका नाम भी सही है, जो आपका पैन कार्ड पे नाम है वही आपने डाल रखा है, तो आप क्या करो अपने अकाउंट को सिक्योर करके चलो। सिक्योर कैसे हो सकता है, आप पहले यहीं पे आइडेंटिटी कंफर्म कर लो। देखो आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे जाना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है, और आपको फिर दोबारा से सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, एक मिनट ओपन हो रहा है, देखो लास्ट में आ रहा है कंफर्म योर आइडेंटिटी, आप इस पे क्लिक करना, व्यू पे जाना और देखो कंफर्म योर आइडेंटिटी गेट स्टार्टेड पे कर देना, और प्रोटेक्ट योर अकाउंट में जाना, प्रोटेक्ट योर अकाउंट, और यहाँ पे जाके इन सब में से किसी एक मेथड से अपना अकाउंट प्रोटेक्ट कर लेना, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके किसी भी एक मेथड से अपना अकाउंट प्रोटेक्ट कर लेना, ये बहुत जरूरी चीज है, मैं आपको बता देता हूँ। इससे होगा ये कि आपका अकाउंट प्रोटेक्ट हो जाएगा, फेसबुक भी समझ जाएगा कि आप जेन्युइन पर्सन हो, ठीक है, और उससे क्या होगा कि आप जब ऐड चलाओगे तब ये आपकी जो ऐड ऐड अकाउंट डिसेबल होने के चांस यहाँ पे बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। मैं पासवर्ड इसका पता नहीं 10 दिन पहले बनाया, भूल तो नहीं गया, भूल गया, ठीक है, ये मैं चलो कर लेता हूँ आपके सामने ही। अभी अभी क्या बोल रहा है, गूगल ऑथेंटिकर और ड्यू, ड्यू मेरे पे है क्या, इसमें एक मिनट में चेक कर लेता हूँ,
डाउनलोड कर लेता हूँ ना, एक मिनट अगर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, मैं कोई वीडियो पॉज नहीं करने वाला हूँ, मैं कर लेता हूँ ना डाउनलोड जल्दी से। कहाँ से होता है यार इसमें, एप्पल में? ठीक है एक मिनट, मिल गया। देखो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, कोई ना मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपसे आपके सामने मैं भी करके दिखा रहा हूँ आपको, और मैंने इसलिए कोई ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं कर रखा था। ठीक है मैं इसको कर लेता हूँ, एक मिनट में हो जाएगा। ठीक है अब वैसे आप समझ गए होंगे, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो इससे, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है और जो लोग अभी ऐड चला रहे हो उनको भी शेयर कर देना, जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले, जिससे उनका भी ऐड अकाउंट डिसेबल होने से बचे। ठीक है और अगर नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन लाता रहूंगा जिससे कि आपको ऐड चलाने में आसानी होती रहे। ठीक है बस बाकी ये हो गया है ओपन, मैं इसको एक बार स्कैन कर लेता हूँ। ठीक है फटाफट, कैसे करते हैं यार? चलो कोई नहीं, आपको मैं बता देता हूँ, मेरे को इसमें आ नहीं रहा है बार बार वो हो रहा है, आपको स्कैन कर लेना है और इसको कंटिन्यू आप करोगे तो आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा। ठीक है बस ये बहुत रिकमेंडेड वाली चीजें हैं, मेरे पे अभी नहीं कर पाया मैं, बस इसको कर लेते हैं वैसे। ठीक है आप या तो ये वाला कर सकते हो या फिर ये वाला कर सकते हो मोबाइल नंबर से डाल के, तो इससे होगा क्या, जब भी आप ऐड अकाउंट वगैरह बनाओगे तो आपका अकाउंट सिक्योर होकर चलेगा यहीं से, और जब भी आप किसी को जैसे मान लो कोई आप कोई और किसी को पर्सन को दे रहे हो ऐड चलाने को, अगर वो भी अपने आईपी एड्रेस पे आपका फेसबुक अकाउंट खोलेगा तब भी वहाँ पे सिक्योरिटी कोड मांगेगा, तो मतलब फेसबुक को लगेगा कि यहाँ इन्होंने किसी को दिया है, और जब वो उस सिक्योरिटी कोड को जब वो आपसे मांग के वहाँ डालेगा तो वो समझ जाएगा कि आपने ही कोड दिया होगा, तभी वो लॉग इन कर पा रहा है। तो उसके उस वाली उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका फेसबुक अकाउंट रिजेक्ट नहीं होगा, अदरवाइज क्या होता है फेसबुक अगर आपने यहाँ पे खोला अपनी आईपी पे और किसी दोस्त को दे दिया और जैसे ही उसने ओपन किया वहाँ पे तुरंत ही एड अकाउंट सस्पिशियस में आ जाता है और आपका एड फेसबुक आईडी बंद हो जाती है, आपने देखा है कभी कभी? तो इसीलिए हो जाता है, आप पहले सिक्योर करके चलो ना सब चीजों से, तो होप आप समझे होगे कैसे आप अपना फेसबुक अकाउंट ऐड डिसेबल होने से बचा सकते हो और किस तरीके से अपने अकाउंट को वापस ला सकते हो। ठीक है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट।